बढ़ूंगी, मुलाजा फरमाए। आज माशरे में औरत का इस्तेमाल और एक और किताब है इनकी जसारत, इनकी जसारत को दाद देनी पड़ती है। नसरी नज़मों का मजमूआ है, ले लीजिए नसरी नज़मों का जसारत। आइए आज आज तो आप हीरोइन हैं। संदीन अब्बास से दरख्वास्त करती हूँ कि वो आए और सुधा जय रंजू की किताब पहला कदम उठा के अशआर गुनगुनाते रहते थे और इसी अदबी माहौल में रहकर इनकी जिंदगी की नशोनुमा हुई, जिसकी वजह से वो एक शायरा के रूप में उभर कर सामने आई। कदलों का मुताला करने के बाद जो चीज कारी के सामने आती है वो है इनका हसनिया और पुरसो लवर लहजा। इन्होंने जिस तरह मुआशरे में औरतों के साथ होने वाले मसाइल की तर्जुमानी की है वो नाकाबिले फरामोश है। इनकी गजलों में दौर जदीद की हसास और रोशन ख्याल औरत के जज्बात और एहसास की तर्जुमानी मिलती है। इससे साफ जाहिर होता है कि जिया साहिबा औरत के कर्म की सही नुमाइंदगी करने वाली शायरा है। नाम नसाई अदब से मुतालिक है। जिया साहिबा में शामिल इनका पहला शेरी मजमुआ बिखरे लम्हात, सुलगते आंसू, लब कुशाई, तनाबे और जसारत काबिले जिक्र है। शेरी मजमुओं के अलावा इनके दो अफसानी मजमुए खालिस्तन एक गजलिया मजमुआ है, जिसमें 108 गजले और मुतादी एक बेबस बाप, एक नेक इंसान और वतन परस्त शायर हजरत शामिल नज़मों में जहां औरत के कर उसकी शिनाख्त आजाद के लिए मैं डॉक्टर चमनलाल भगत से दरख्वास्त करती हूं कि वो आए और गुलदस्ता पेश करें। पंजाब के मशहूर शहर लुधियाना में वाकई सोम प्रकाश जैन और राजकुमारी जैन के यहाँ हुआ। इब्तदाई तालीम रानो मेडिकल स्कूल लुधियाना में हासिल की। उन्होंने अपनी बीए की डिग्री डीपी कॉलेज फॉर वुमेन लुधियाना से हासिल की। सुधा जी रंजू की शादी जम्मू में मुकीम इंजीनियर प्रज्जल इस एतबार से अगर देखा जाए तारीख ने जानी ही नहीं कदर अब तक तेरी, तारीख ने जानी ही नहीं तुझ में शोले भी हैं बस अश्क पिशानी ही नहीं। तू हकीकत भी है दिलचस्प कहानी ही नहीं, तेरी हस्ती भी है एक चीज जवानी ही नहीं। अपनी तारीख का उन्वान बदलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। के दुख अजब हैं और सुख उससे अजीब, लड़कियों के दुख अजब हैं और सुख उससे अजीब, हंस रही है और काजल भीगता है साथ साथ। तो सबसे पहले हमारे साथ फौजिया मुगल साहिबा, जिनकी आज किताबों की रस्म इजरा भी हुई, और सुधा जैन साहिबा, सुधा जैन अंजुम साहिबा, उनके भी शेरी मजमुए आज हमारे सामने आए। मैं आप सबको, आप दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। और शुरुआत, क्योंकि फौजिया मुगल साहिबा को कहीं और भी जाना है तो इनसे करेंगे, हालांकि ये बहुत सीनियर हैं, इनसे ही शुरुआत करेंगे और इनके ही एक शेर से मैं इनको दरखास्त में मेरी किताबों की यहाँ पे रिलीज करवा दी। पहले भी एकदम में आई थी, जब एक बार जब मेरी पहली तीन किताबों की रिलीज थी तब शहाब डॉक्टर शहाब अनायत यहाँ सदर शोभा उर्दू थे, तो इन्होंने भी कहा फटाफट हमारे गुलजार साहब आ रहे हैं और ले आओ किताबें और रिलीज कर देंगे, और वो रिलीज हो गई थी मेरी तीन किताबें। इनका भी शुक्रिया कि डिपार्टमेंट ने हमेशा वेलकम किया किताबों को। ये इनका असासा है, यहाँ के बच्चे हैं उर्दू डिपार्टमेंट से। एक बेटी ने हमारी अभी पेपर पढ़ा, बहुत खूबसूरत पेपर पढ़ा, और ये भी ये शोभा उर्दू की है। मेरे सामने मेरे, मैं कहती हूँ फैमिली, अंजुमन फैमिली है मेरी। मंच से बैठे हुए मुख्य मेहमान उर्दूपार अते सारे शायद लेखक ते विद्यार्थियों, मेरी तरफ तो औरत दिवस दी
दोबारा मुबारक। मैं अपनी जी कविता पेश कर रही हाँ। बताओ क्या है? मेरी कविता का नाम है बंगार। मैं कमजोर अबला विचारी नहीं हाँ, मैं ता अंग्यारियां दी पट्टी विच खिड़दी कलियां। मैं कमजोर अबला विचारी नहीं हाँ, मैं ता अंग्यारियां दी पट्टी विच खिड़दी कलियां। लावे उत्ते चलन दा शौक है मैनू, लावे उत्ते चलन दा शौक है मैनू, तेरी हमदर्दी दी मोहताज नहीं हाँ। क्यों रोज मिट्टी दे किनके मंगर, क्यों रोज मिट्टी दे इजाजत हो तो रंगमंच कदे बदली कदे छां, कदे इक तुप जनामे, कदे बदली कदे छां, कदे इक तुप जनामे, कदे आसे परोचे दा नरुआ सजरा मन आमे, मिगी अग्गी दिलोरे ने दना भी इरख नहीं साथी, मिगी अग्गी दिलोरे ने दना भी इरख नहीं साथी। पिया ओ है जो मित्रे गी है जनान। जनान का मतलब ही है नारी। तो सबसे पहले मैंने इस जनान शब्द का एक फुल फॉर्म बनाया है। ये आता है ज, जरान, ना, नाज, न, नखर, जरान, नाज, नखर, तो बन गई जनान। इसमें मल्टीलिंगुअल मुशायरे का इनेकाद किया गया है। साथ ही आज दो किताबों का इजरा भी अमल में आया, जिसमें फौजिया मुगल की किताब और सुधा जालंजुम के शेरी मजमूए का इजरा किया गया और उन पर तबसरा भी पेश किया गया। साथ ही जो कसीर लसानी मुशायरा है, इसके साथ साथ एक अहम जो इस तकरीब की खूबी है वो ये है कि आज शोबा उर्दू जम्मू यूनिवर्सिटी सीमा अनिल सहगल को एक खिताब से नवाज रहा है
जिसका नाम मलकाए सुर रखा गया है। चूँकि सीमा अनिल सहगल ने न सिर्फ कौमी सतह पर बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर जो नाम किया है और उर्दू ज़बान के फ़रोग में जो खिदमात अंजाम दी हैं उसके एतराफ़ में आज शोबा उर्दू जम्मू सिटी उन्हें मलकाए सुर के ख़िताब से नवाज रहा है। तो आज की इस तकरीब में कई चीज़ें एक साथ हो रही हैं, तो इसकी बड़ी खूबी ये भी है कि हम उर्दू के साथ साथ हिंदी, अंग्रेज़ी, डोगरी, पहाड़ी, कश्मीरी अलग अलग ज़बानों में जो चीज़ें लिखी जा रही हैं, जो कलाम पेश किए जा रहे हैं, उनके जो अफकार और ख्यालात हैं वो हमारे सामने आए। तो यही वजह है कि आज जो है वो मल्टीलिंगुअल मुशायरे का इनेकाद किया गया है और इसमें हम इनसे महसूस होंगे और हमें उम्मीद है कि आप सबका तआवुन जो है अब मिलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।